हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज जिंदगी में पहली बार ट्राई करने जा रहा जी भाई पॉम्फ्रेट फिश, बोले तो सी फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई आप देख रहे हैं मछली है, बड़ी मुश्किल से मिली भाई, बड़ी मुश्किल से। बताऊंगा सारी स्टोरी, बताऊंगा इसके बारे में आपको। क्या बोलते हैं जी इसको अंग्रेजी में, पॉम्फ्रेट फिश। ये मैं लेके आया जी पूरा एक किलो, थोड़ा एक किलो से ऊपर ही है, ठीक है जी। कुछ किया क्या जी, मैंने कुछ नहीं किया जी। ये जो कटन कट है ये मैंने पहले के मैले से मार के रख दिया, गहरे गहरे कट, ठीक है जी। ये गहरे गहरे कट, तो आप भी गहरे गहरे कट मारना, क्यों आपको टाइम वेस्ट करना बिना मतलब के ना। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, ये जी वो मशीन का वो है, मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है। इसमें डाला जी धनिया, ये चार मोटी मोटी कलियां, किसकी, वह लहसुन की। फोकस हो गया, हो गया होगा, लहसुन है लहसुन, ठीक है जी, अगर फोकस ना हो गया हो। ये जी अदरक है, अदरक, ठीक है जी, डाल लो। ये जी तिक्की तिक्की हरी हरी मिर्चा, डाल लो। एक नींबू का रस भाई, डाल लो। थोड़ा हल्का सा पानी मिला लो, थोड़ा हल्का सा, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा सा नमक मिला लो। तो जी इसका हमको पेस्ट बनाने का है, तो पेस्ट बना के आता हूं मैं। तो लो जी भाई बनके तैयार हो गया, करते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, कटोरा लिया काले रंग का, ठीक है जी। इसमें डाल रहा हूं जी मैं तंदूरी चिकन मसाला, ठीक है जी। मैं फिश मसाला ढूंढने गया था, तंदूरी नहीं मिला जी, भाई ये डाल देंगे, ठीक है जी। अरे बताना भूल गया, ये दो टेबल स्पून है। चाट मसाला 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी यानी हल्दी, नमक भाई स्वाद अनुसार, एक नींबू का रस, 1.5 टीस्पून भाई काली मिर्च का पाउडर, भाई मस्टर्ड का तेल, कच्चा तेल बड़ालो भाई 2 टेबलस्पून, ध्यान रहे चीज का, जो चटनी बनाई थी, ठीक है जी, हरी वाली भाई मिला दो। तो जी इसे इज्जत से मिला मलू लो, तो इसका पेस्ट बना लो, ठीक है जी। तो जी अब करना क्या है, करना यह है कि जो ये मछली है ना, हाँ, इसमें मैंने कट जो मारे ना, इनमें इसको प्रॉपरली अपने मैरिनेट करना है। गहरे गहरे कट है ये, ठीक है जी, गहरे गहरे, इनके भीतर डालना है इसको चंगी तरह से, ठीक है जी। प्रॉपरली मिला मलू लो, इस साइड भी जो इस साइड कट मारे हैं, इधर भीतर भी, ठीक है जी। तो मैं अब इन सबको मैरिनेट कर लेता हूं, ठीक है जी। तो लो दोस्तों भाई मैरिनेशन हो चुकी है जी, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए भाई रेस्ट देता हूं, ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, कढ़ाई लगा दी जी, इसमें डालो मैं तेल, ठीक है जी। तो इसको गर्म होने दो। तो जी ये जो देख रहे हो ना मटेरियल, ये क्या जी, ये जी कॉर्नफ्लोर, मैदा और ये चिल्ली के फ्लेक, और थोड़ा बहुत नमक मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, समझे मेरी बात को आप। तो इसमें हम अपने मछली को डिबोएंगे और उसके बाद इसको हम भाई फ्राई है बोले तो रोस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो जी तेल गर्म हो चुका हुआ है, ठीक ठाक हो चुका हुआ है, अब करना क्या है, अब ये मछली उठाएंगे, इस पे रखेंगे, ठीक है जी, और इसको ऐसे चिपका चुपकू के सेट कर देंगे। तो जी इसको आप इज्जत से उठाओगे और यहां पर लैंड कराओगे, तो जितनी मछली आएंगी भाई उतनी टिकाना, ज्यादा टिकाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो जी रख दो उसको, अभी आप केवल को 30 से 40 सेकंड हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर मीडियम फ्लेम का लो करेंगे, मीडियम फ्लेम लो नहीं करेंगे भाई, गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, ठीक है जी। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है जी, ठीक है, करीब 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड पे और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पे, ठीक है जी। तो जी इसको आप इज्जत से भाई पलटी मार लो, इज्जत से, ठीक है जी। अभ्यास पड़ गया, लो जी, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको 5 से 6 मिनट एक साइड पे और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पे भाई फ्राई करते चलो। तो जी करना क्या है, बीच बीच में ना हर 2-2 मिनट के बाद इसमें ऐसे तेल डालते रहना, गर्मा गर्म तेल, ठीक है जी, ऐसे। तो जी 5 मिनट इस साइड पे और 5 मिनट उस साइड पे मैंने दोनों मछलियाँ जो है फ्राई कर दी है। अब मैंने गैस का फ्लेम हाई करना है और 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे भाई पकाना है, ठीक है जी, ताकि जो आउटर लेयर है वो क्रिस्परी क्रिस्परी हो जाए, ठीक है जी, जलामत देना कहीं। हाँ तो दोस्तों भाई अपना एक लॉट बनकर तैयार हो गया जी, अब ऐसे बाकी लॉट बनाएंगे, ठीक है जी, तो बस ऐसे ही बनाते चलो। तो दोस्तों भाई बनकर तैयार होगी, करते जी टेस्ट। तो लो भाई दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपनी पॉम्फ्रेट मछली, भाई पॉम्फ्रेट भाई अगर गलत प्रोनाउंस करूँगा तो माफ़ करना, और अगर गलत तरीके से बनाई होगी तब भी माफ़ करना यार, मालूम नहीं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ यार, ठीक है। तो भाई देखो यार भाई ये जी इसकी स्थिति, और मैंने चीज लैस कर दिया जी टमाटर के साथ, प्याज के साथ, नींबू के साथ, ठीक है जी। भाई देखो स्थिति देखो कैसी है, दिखने में सुंदर लग रही है, नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है, लग रही है, दिखने में सुंदर तो है ही यार, है भाई। साथ में और क्या लिया जी, साथ में लिए जी ये जी शेजवान, यह जी टमाटो का काचप, यह जी गार्लिक की चटनी भाई, यह जी टमाटो का कैचअप, अरे ये क्या है फिर, अच्छा अच्छा ये हॉट एंड चिली, अरे ये टमाटो का कैचअप सारी, और यह जी भाई घर की बनाई चटनी भाई, किसकी, टमाटर की, धनिया की, हरी मिर्च की, नींबू की, बस भाई। मुद्दा ये है कि भाई टेस्ट में कैसी है भाई, जिंदगी में पहली बार भाई बना भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, जैसे प्रॉन खाए थे ना वैसे ही, तो भाई वैसे ही है। इसके पीछे एक स्टोरी है भाई, स्टोरी क्या है बताना चाहता हूँ, पहले स्टोरी सुन लो आप यार खाने से पहले। भाई अपने भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया
जम्मू में भी भाई सी फूड मिलता है, ठीक है जी, हनी मनी कंपनी है, फिश कंपनी, विवेकानंद चौक में, जम्मू के विवेकानंद चौक में भाई। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई जिनको जम्मू में नहीं मालूम कि भैया सी फूड कहाँ मिलता है, भाई जैसे मुझे नहीं मालूम था भाई, बड़ा उस अपने भाई का जैसे कमेंट करके हमें बता दिया यार, तो भाई वहाँ से मिल जाती है। ये आप सोच रहे कि भैया स्पॉन्सर है, पहली है, ये भी केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ जम्मू के अपने भाइयों को भाई, जिनको नहीं मालूम यार, जैसे मुझे नहीं मालूम था, तो आओ भाई। तो भाई उनके पास सारे सी फूड मिलती है, मैं पूछ के आगे सारा कुछ सब मिलेगा भाई। तो भाई मुद्दा ये है भाई, दिखने में बताऊँ बड़ी खूबसूरत है यार, बड़ी खूबसूरत है, ठीक है जी, पर टेस्ट में कैसी होगी यार? तो अब मैंने जैसे बनाया, अब वैसा टेस्ट आता अच्छा या नहीं आता मुझे नहीं मालूम यार भाई। ये देखो जी, ये स्थिति है इसकी, है क्या स्थिति है, ये स्थिति है। अब मैं इसको पहले बिना किसी चटनी चुटनी के ना खा लेता हूँ यार। मैरिनेशन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा यार। जो मैंने मैरिनेशन की है, धनिया की, उसकी अदरक जो भी की, जो आपने देखी है यार, बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि जो उसका खुद का टेस्ट है वो इतना स्ट्रांग है, मैरिनेशन का टेस्ट बिल्कुल दब गया यार। मतलब कि इसका टेस्ट पता कैसे आ रहा है यार, मीठी नहीं है, मीठी नहीं है, जैसे रोहू मछली मीठी मीठी होती है ना, ये वैसे मीठी नहीं है यार। इसका टेस्ट ये नहीं होती जैसे अपनी कभी अपने खाई है वो ड्राई मछलियाँ खाई हैं, सूखी मछलियाँ खाई ना, बस वैसे ही टेस्ट है, मतलब वैसे ही टेस्ट है, सॉरी, ड्राई मछलियाँ, सूखी मछलियाँ जो होती हैं भाई, वैसा ही टेस्ट है यार। रोहू का मुकाबला भाई नहीं कर पाएगी यार, रोहू वो टेस्टी होती है, सच में कह रहा हूँ यार। तो और खाता हूँ मैं इसको किसी बढ़िया तरीके से। बाकी एक चीज़ टेंशन फ्री है कि भाई कांटे कुंटे नहीं है इसके अंदर, कांटे कुंटे बिल्कुल नहीं है। और मैं सोचा इसको प्याज पूज सेट कर दूँ इसके ऊपर, देता हूँ फिर क्या टेस्ट आएगा, क्या मालूम उसका टेस्ट अच्छा जाए, थोड़ा नींबू नींबू मारते हैं इसके ऊपर यार। बट मैरिनेशन का टेस्ट जो है ना वाकई में वो दब गया हुआ यार, इसकी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, इसकी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है ना। वाकई में यार नींबू छिड़क के प्याज रख के भाई टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हुआ यार, अच्छा हुआ, नॉट बैड एट ऑल। मैं और थोड़ा सा नींबू छिड़कता हूँ उसके ऊपर। जैसे मैंने बताया आपसे कि जो ये मछली है, जो उसका अंग्रेजी नाम है पॉम्फ्रेट, हाँ पॉम्फ्रेट क्या गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ यार, तो इसका खुद का जो फ्लेवर है बहुत स्ट्रांग है, तो मैरिनेशन हार गई यार, नामो निशान ही मैरिनेशन का कई बार यार। तो मुद्दा ये है कि अगर मैं इसको शेजवान के साथ खाऊँ तो क्या ही फ्लेवर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। एक मिनट, शेजवान के साथ टेस्ट अच्छा है, बढ़िया टेस्ट आ रहा है यार। ये कौन सी है जी, ये टमाटो का केचप, अब पता नहीं हॉट चली है कि मीठी है, कौन सी यार देखता हूँ ना यार, एंड स्वाद, ये मीठा केचप, टमाटो केचप मीठा वाला एंड टेस्ट। मैं जिंदगी में पहली बार सी फूड खा रहा हूँ भाई, कांटे। ये कौन सी है जी, ये जी गार्लिक सॉस, ये मेरी बड़ी फेवरेट आजकल बन चुकी है। ना मुद्दा एक और पीस लेके आना पड़ेगा इज्जत से, क्योंकि अपनी घरेलू चटनी भी अभी पेंडिंग है। कांटे एक चीज़ है कि टेंशन नहीं कांटों की, कांटे इसके बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम नरम है, वो टेंशन मेरी खत्म हो चुकी है। ये जी हॉट एंड चिली, हॉट एंड चिली सा टेस्ट आ गया यार, दिमाग का नहीं बट इनसे अच्छा टेस्ट है यार, हॉट एंड चिली टमाटो केचप वालों का।
तो भैया अब हम तेज करेंगे इसको अपनी घरेलू चटनी के साथ, ठीक है जी। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आएगा जी इसके साथ में। गजब भाई गजब, परफेक्ट टेस्ट। ये दे, इन्हें सब कुछ ऐड कर दो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हटो साइड पे। ये जी चुका है भाई, घरेलू चटनी जी चुकी है, बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट है यार। किसकी चटनी है जी बताऊं? टमाटर की, धनिए की और अपने नींबू की, ठीक है जी, और हरी मिर्चा और अलॉन्ग विद नमक। बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत ही जदी लजीज टेस्ट है। मजा आ गया यार, इतना स्वाद आ गया। यहाँ पर जो थी खुद का जो टेस्ट है उसने मेरे को डोमिनेट नहीं किया, इसे टेस्ट ने डोमिनेट, क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पर चटनी ने इसको हावी नहीं होने दिया अपने आप पे, चटनी ने अच्छा फ्लेवर दिया। अब मुद्दा किसका है? मुद्दा जी टमाटर का, धनिया तो अपने आप आ गया जी चपक के से साथ में, और ये प्याज पूज का, और ये शरते ओ चावे, ये जी नींबू। तो भाई साहब आह गजब गजब। बट इतना श्योर है मैं, एक बार ना करी इस मछली की करी बना के जरूर बनाऊंगा, फिर टेस्ट करूंगा, देखूंगा उसमें कैसा टेस्ट आएगा इसका। यार क्या बोलूं, इसमें इतना अच्छा टेस्ट ना आ रहा हो, क्या बोलते करी में अच्छा टेस्ट आ जाए, क्या गारंटी होती है किसी चीज़ की? नॉर्मल तो कैसे बनाते हैं घर में, मस्टर्ड मस्टर्ड डाल के, राई डाल के वैसे बनाऊंगा यार। तो मुझे भी आप कमेंट करके बताना भाई, अगर आप अगर मछली बनाते हो, ये वाली मछली जो अंग्रेज ये पॉम्फ्रेट है भाई, आप ही कैसे बनाते हो, ठीक है ना, जरूर बताना। तो भाई दोस्तों ये था जी पॉम्फ्रेट फिश, भाई इतना जावर कुछ मजा नहीं आया मेरे को, ठीक है, ठीक रहा। तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।